सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है, जबकि असफलता दुनिया का परिचय आपसे करवाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि के लिए बहुत 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 विशेष है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, मिथुन राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ये थंबनेल बनाने का क्या कारण है, क्यों मिथुन राशि के जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कब और कैसे, आज हम इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम बहुत ज्यादा विशेष है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं मिथुन राशि के जीवन में जो आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है, बहुत कुछ बड़ा चेंजेस लेकर आने वाला है आपके जीवन में, और वो क्या होगा वो आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने लोगों को देखा है और मैं हमेशा से ही सोचता हूं कि हर कोई व्यक्ति पॉजिटिव रहे, और पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा जो ये अर्थ है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले आपका पॉजिटिव सकारात्मक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पॉजिटिव होंगे तभी प्लैनेट्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, आसपास के जो अपना एटमॉस्फेयर है उसको भी पॉजिटिव बना के चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है, और अगर कोई भी आपके कमेंट्स में रिप्लाई करता है तो चेक कर लीजिएगा, पहले स्कैम होते हैं। और अगर अपनी कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं तो सिर्फ नंबर चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अपने टॉपिक पर विशेष चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, वो क्या? अभी वर्तमान में शनिदेव की ढैया हो चुकी है समाप्त, आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं, शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ शनिदेव आपकी राशि से, आपके मून साइन से, यह मून साइन पर आधारित है, आपकी मून साइन से, चंद्रमा से शनिदेव आपके नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, नवम स्थान में, और नवम स्थान होता है भाग्य का, लक का माना जाता है नाइन्थ हाउस, और स्पिरिचुअल का माना जाता है, पिता फादर के लिए भी माना जाता है नाइन्थ हाउस। ठीक है, समझना, आप जल्दबाजी में मत देखा करें, समझना, बहुत मजा आएगा आपको। और इसके साथ साथ राहु और गुरु आपके इलेवंथ हाउस में है, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, गुरु भी वक्री हैं और शनिदेव भी वक्री हैं। ठीक है, केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब बड़ा क्या होने वाला है, सबसे पहले 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव 11th हाउस से निकल जाएंगे और आपके 10th हाउस में प्रवेश कर लेंगे। 18 साल बाद राहु देव 10th हाउस में आएंगे, करियर वाले स्थान में, डेढ़ साल तक फिर 10th हाउस में रहेंगे। बड़ा दोस्तों ये होने वाला है कि जब भी राहु देव 10th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो शास्त्र कहता है कि करियर में परिवर्तन लाते हैं। अब आपके मन के अंदर प्रश्न आ रहा होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव परिवर्तन लाएंगे? दोस्तों, शनिदेव भाग्य स्थान में, गुरु लाभ स्थान में, राहु देव का ये 10th हाउस में आना पॉजिटिव परिवर्तन दिखा रहा है 70%। या तो फिर आपको इंक्रीजमेंट हो सकता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं आपके जो सीट है, जो आपका जहां पर आप सीटिंग है आपकी, वो चेंज हो सकती है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ये बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि राहु देव जब चंडाल दोष से निकल जाएंगे, गुरु के साथ से 10th हाउस में आएंगे, तो परिवर्तन तो करियर में आएगा। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, परिवर्तन लेकर आप स्वयं आएंगे, ये 90% सत्य है। कुछ ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 30 अक्टूबर के बाद नवंबर में जाएगा, 30 अक्टूबर 2023 से लगाकर अप्रैल 2025 के बीच में परिवर्तन 90% आएगा ही आएगा, ये बड़ा होने वाला है। दूसरा, जब गुरुदेव निकल जाएंगे राहु से, तो गुरु की जो पावर है, जो गुरु की शक्ति है, जो गुरु का बल है, वो मजबूत हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि राहु और गुरु शत्रु माने जाते हैं, चंडाल दोष का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो गुरु जो है वहां से जो है मुक्त हो जाएंगे, तो गुरु का जो रिजल्ट है, यानी कि गुरु धन के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के, उच्च शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं, तो फिर ये विद्यार्थियों के लिए भी एक बड़ा अवसर होने वाला है कि गुरु चंडाल दोष से समाप्त होंगे 30 अक्टूबर 2023 में, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये एक शुभ संयोग दिखाई दे रहा है। गुरु 11th हाउस में राहु के साथ में है अभी 30 अक्टूबर तक, तो ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। दूसरा, उनके लिए भी अच्छा है जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आगे चलकर करेंगे डेढ़ दो साल के अंदर अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? रीजन, कारण, क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो पंचम भाव पे दृष्टि
पूर्ण रूप से डालेंगे। और खासकर जो बहुत अच्छा समय है वो है अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक, बहुत अच्छा समय रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन फिर अप्रैल 2024 में गुरु चले जाएंगे 12वें घर में, गुरु का 12th हाउस में परिवर्तन हो जाएगा। जब गुरु का 12th हाउस में परिवर्तन होगा तब आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल करना है। यह भी एक बड़ा प्रेडिक्शन है कि जब गुरु 12वें घर में जाएंगे तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा करवाएंगे, अननेसेसरी खर्चे हो जाएंगे आपके। और जब गुरु 12वें घर में जाएंगे तो फैट इंक्रीज कर सकते हैं, गुड फैट नहीं, बैड फैट। यानी ये एक होता है कि आपका जो एक मसल मास होता है, नहीं वो नहीं, जब गुरु 12वें घर में जाएंगे तो आपकी चर्बी बढ़ा सकते हैं। तो उस टाइम पर आपको अपनी हेल्दी डाइट, गुड डाइट का ध्यान रखना होगा अप्रैल 2024 के बाद। और जब गुरु 12वें घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है छठे घर को भी देखेंगे, इसके साथ साथ 8वें घर को भी देखेंगे। जब छठे और 8वें घर को देखेंगे अप्रैल 2024 से, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हावी ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, आप किसी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। कोई लोन लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कोर्ट कचहरी से थोड़ा दूर रहें। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा बहुत देखी जा सकती हैं आपके साथ में। केतु ग्रह पंचम भाव से निकलेंगे और फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जिन विद्यार्थियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, उनका बहुत ज्यादा मतलब एक कहते ना कि स्टेबिलिटी नहीं थी बिल्कुल भी, और बहुत ज्यादा माइंड डाइवर्ट था कि क्या करना है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। केतु पंचम से निकलेंगे, असंतुष्टि को दूर करेंगे, ये है, ठीक है। और केतु पंचम से निकलेंगे तो सबसे बड़ी बात उनके लिए बहुत अच्छा है जो लव रिलेशन में, या फिर जिनका कोई लव रिलेशन नहीं बन रहा था, जो अपने लव रिलेशन से बहुत ज्यादा परेशान थे और सोच रहे थे कि कोई लव रिलेशन हो, कोई रिलेशन क्रिएट हो, उनके लिए बहुत अच्छा है जब पंचम से केतु निकलेंगे। और जिनका पहले से लव रिलेशन है तो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लेंगे केतु के निकल जाने से, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ शनिदेव की विशेष बात करूं, अगर मैं आपके लिए बहुत विशेष प्लेनेट है शनिदेव, क्योंकि भाग्य को संभालने वाले ग्रह हैं शनिदेव। 9th हाउस में शनिदेव हो रहे हैं मार्गी, कब, 4 नवंबर 2023 में शनि हो रहे हैं मार्गी, डायरेक्ट हो रहे हैं। जब 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे तो कहते हैं ना कि आगे जिस हाउस में बैठे हैं उसका आगे की तरफ आपको रिजल्ट देंगे, और बेटर और बेस्ट रिजल्ट देंगे। इसका मतलब कि 9th हाउस भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, लेकिन आपका व्यापार उतनी अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर आपके व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी बनी हुई है, अभी फिलहाल व्यापार चल तो रहा है लेकिन परेशानियों के साथ में, व्यापार चल तो रहा है लेकिन टेंशन तनाव के साथ में, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 नवंबर के बाद व्यापारिक अच्छा रहेगा। अगर व्यापार करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति तो उनके अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ 4 नवंबर के बाद नौकरी मिलने की संभावना बहुत अच्छी रहेंगी, 4 नवंबर से लेकर पूरे अप्रैल तक के महीने में अच्छी रहेंगी। कमेंट करना जिनको, जिनके साथ में हो जाता है ना, जिनके साथ में होता है और वो हो जाता है तो वो लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। 4 नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में नौकरी मिलने के योग अच्छे हैं, अगर आपके पास में नौकरी नहीं है तो। इसके साथ साथ जब शनिदेव भाग्य स्थान में आएंगे तो लॉन्ग ट्रेवल हो सकते हैं, विदेशी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, ये कुछ बड़ा होने वाला है आपके जीवन में। तो ये बताएं दोस्तों कि मिथुन राशि के जीवन में क्या बड़ा होने वाला है, कब, कैसे, क्या उपाय करना चाहिए मिथुन राशि को, अचूक उपाय। रोजाना गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी आपके इष्ट माने जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में बुध ग्रह का बीज मंत्र करें, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। अगर आपका मिथुन लगन है तो फिर आप ग्रीन एमरल्ड पन्ना और नीलम धारण कर सकते हैं, ठीक है, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।